मशहूर यूट्यूबर एलविश यादव से पूछे गए वो कौन से 50 सवाल, जिसके जवाब देने में छूट गए एलविश यादव के पसीने। आखिरकार क्यों, जब एलविश यादव से पुलिस कर रही थी पूछताछ तो हर सवाल के जवाब देने में अटक रहे थे एलविश यादव। आखिरकार एलविश यादव वो कौन सा बड़ा सच है जो दुनिया के आगे छुपा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी दिल्ली एनसीआर में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। रेव पार्टी आयोजित करने और सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में फंसे बिग बॉस विनर एलविश यादव से देर रात नोएडा पुलिस ने पूछताछ की है। मशहूर यूट्यूबर मंगलवार रात सेक्टर 20 थाने में नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए। पुलिस ने उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन अब नए तरीके से पूछताछ जरूर होगी, क्योंकि हर सवाल के जवाब में एलविश यादव काफी ज्यादा घबराए हुए थे। आखिरकार पुलिस ने ऐसे कौन से सवाल पूछे जिन्हें सुनने के बाद छूट गए यूट्यूबर एलविश यादव के पसीने। वो बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल कभी सबके चहेते रहे एलविश यादव अब खुद अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। देर रात हुई पूछताछ के दौरान एलविश यादव के साथ उनके 7 और वकील भी मौजूद थे। देर रात चली नोएडा पुलिस की पूछताछ में एलविश यादव की रेव पार्टी में जहर सप्लाई और राहुल के साथ उनके कनेक्शन पर ज्यादा फोकस किया गया। सबसे अजीब बात यह है कि एलविश नोएडा पुलिस के हर सवाल का जवाब देने में काफी ज्यादा झिझक रहे थे। हालांकि एलविश ने ये जरूर कहा कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप पूरी तरह से गलत है। सुबह करीब 5 बजे वो अपने वकीलों के साथ हरियाणा के लिए रवाना हो गए। पुलिस उसे आगे भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब एलविश से पुलिस ने क्या क्या पूछताछ की और क्या क्या सवाल पूछे वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल एलविश से सबसे पहले ये पूछा गया कि राहुल के साथ उनका कॉन्टेक्ट कैसे हुआ, आपकी उनसे पहली मुलाकात कहाँ हुई। एलविश से अगला सवाल पूछा गया कि क्या राहुल को कॉल सिर्फ सांप और विनम के लिए करते थे, क्या आप नोएडा में रेव पार्टी के आयोजन में शामिल थे और इसमें आपकी क्या भूमिका थी। नोएडा में रेव पार्टी में शामिल हुई विदेशी लड़कियां आखिरकार कहां से आई। सिर्फ इतना ही नहीं, एलविश से ये भी पूछा गया कि क्या आप दिल्ली और राजस्थान के फार्म हाउसेस में रेव पार्टी में मौजूद थे, रेव पार्टी में कौन कौन शामिल था, वीडियो में सांपों के साथ दिख रहे जो दूसरे लोग हैं वो कौन है, क्या ये सब लोग नशे के लिए जहरीले जहर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एलविश यादव के ऊपर अब जो पुलिस का शिकंजा है वो और भी ज्यादा कसता जा रहा है। इसीलिए बार बार पुलिस भी एलविश यादव से पूछताछ कर रही है और एलविश यादव भी हर सवाल के जवाब देने में झिझक रहे हैं, यानी कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जल्द ही एलविश यादव की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो फिलहाल आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।